हूं आपके साथ जहारा और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार न्यूज चैनल। तो चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबर पर। सहरसा जिला रिपोर्टर मोहम्मद इम्तियाज आलम की रिपोर्ट। ना हौसलों की ना उम्मीदों की, इस बार चुनाव होगी पंचायत के ग्राम वासियों के विकास की। सहरसा जिले के सोनबरसा राज प्रखंड में छठे चरणों में होने वाले नामांकन के दूसरे दिनों उम्मीदवारों के साथ लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली, जिसमें मुखिया उम्मीदवार हो या समिति उम्मीदवार हो या वार्ड सदस्य उम्मीदवार, सभी ने अपना अपना पर्चा दाखिल किया और अपनी पंचायत की एवं वार्ड की जनताओं के विकास के लिए क्या कुछ कह रहे हैं। विकास क्या रहेगा? रोड सड़क मदद शाहपुर पंचायत से। रंजू देवी। शाहपुर पंचायत के विकास में हमारा अग्रसर योगदान रहेगा। हम तन मन धन से पंचायत का सेवा करेंगे और पंचायत समिति बन के हम प्रयास करेंगे कि प्रमुख का मौका मिले, ताकि पूरे प्रखंड के कैसो पंचायत का सेवा करने का मौका मुझे मिले। आप युवा हो, युवाओं क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं का संदेश देना चाहते हैं कि युवा बढ़ चढ़ के आगे बढ़े और सब जगह अपना साझेदारी दे, चुनाव हो, पढ़ाई हो, कमाई हो, सब जगह अपना योगदान दे। बिहार सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको क्या करना चाहेंगे आप? बिहार सरकार की योजनाओं को धरातल पे लागू नहीं हो रहा, हम उसको धरातल पे लागू कराने का कोशिश करेंगे। वीरेंद्र शेखर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वार्ड नंबर कितना है? 9। किस पर से नामांकन दाखिल किया? वार्ड सदस्य। क्या सहयोग रहेगा आपको समाज के साथ? बढ़िया बढ़िया सहयोग रहेगा। क्या नाम जी? क्या नाम आपका? अस्मिता कुमारी। वार्ड नंबर 8। पंचायत सरौनी मधुपुरा। आप महिलाओं हैं, महिलाओं क्या संदेश देना चाहते हैं? बढ़िया काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको जनता अगर 5 साल के लिए वार्ड समिति पद से चुनती है तो सबसे पहले विकास क्या कीजिएगा? विकास हम सभी जितना होगा वहाँ तक मदद करेंगे सबको। किस पंचायत से चुनाव? रघुनाथपुर पंचायत से। वार्ड नंबर कितना से? 11 से। क्या नाम हुआ? देना चाहते हैं और थोड़ा लक्ष्य ये पंचायत देहद पंचायत है, वार्ड नंबर 15। और मेरी चाची जी हैं, जो मेरी चाची जी हैं समिति पद से आज अपना नामांकन कराई हैं। और देहद पंचायत के तमाम जनता से कहना चाहूँगा कि आप बहुमूल्य अपना वोट देकर, अपना कीमती वोट देकर इस माता जी को जिताएं और जो सह बनेगा, जो आपके समझ में आएगा, जो आपके फंड में आएगा, वो आपके घर घर पहुंचेगा, ये इनका वादा है। और जो भी विकास होगा सही पूर्वक आपके समझ आपके घर तक पहुंच जाएगा, ये इनका वादा है। देहद पंचायत अजय कुमार शाह। पंचायत समिति सदस्य के क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता में संदेश देना चाहते हैं कि नया विकास होगा, नया काम करेंगे, नया विकास करेंगे, पुराने चीज को सारे चीज़ को बदलेंगे, नया तरीका और नया तरीका से विकास होगी। जनता का जो शोषण हो रहा था वो शोषण बंद होगा। जनता चुनती है तो क्या आपका लक्ष्य रहेगा? मेरा लक्ष्य रहेगा बिजली पानी सड़क और चिकित्सा, इस पर मेरा रहेगा सबसे ज़्यादा पहले ध्यान। शाहपुर पंचायत से। क्या नाम? सुभाष यादव। उम्मीदवार का क्या नाम है? पूनम देवी। क्या आपको अगर जनता चुनती है 5 साल के लिए, क्या आपका लक्ष्य? नया युवा के लिए नया विकास के लिए, जनता के लिए पुराना हटा के नया बनाने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से? शाहपुर पंचायत से पूनम देवी। मुखिया पद का क्या संदेश देना चाहते हैं आपको? 5 साल में क्या आपका विकास का लक्ष्य क्या है? सबसे पहले तो हम जनता लोग का मान सम्मान करेंगे और उसके बाद जो है विकास का हम प्रयास करेंगे, अच्छा से अच्छा प्रयास हो, विकास हो पंचायत का। 5 साल में आपको चुनती है तो पहला लक्ष्य आपका क्या रहेगा? पहला लक्ष्य मेरा यही रहेगा कि जो भी चीज़ हमारे फंड का हो, जो भी हो,
हम जनता के बीच में घूम घूम के हर वार्ड में जा जा के वार्ड का वार्ड सदस्य रहेगा और हम रहेंगे और समाज रहेगा हमारा, उस समाज में हम सबको बताएंगे कि ये चीज़ है, इसको किस तरह से हम हमारे समाज का विकास हो, इस तरह से हम काम करेंगे। रमेश शर्मा, सामोरा से, साहपुर पंचायत। क्या संदेश देना चाहते हैं? इसमें क्या ऐसा आप लोग को दिखा गया? मैं चुरामणि झा बोल रहा हूँ, ग्राम पंचायत साहपुर से पूर्व सरपंच, और मेरा जो ग्राम पंचायत साहपुर है वो एससी एसटी हो गया है, उसी के तहत हम रमेश शर्मा को हम लोग सब अपना मान लिए, सब कुछ करके और इनका हम लोग आपस में विचार विमर्श करके और रमेश शर्मा को मुखिया पद के लिए ये हम लोग बनाने जा रहे हैं। किनका? मैडम चुरामणि झा। और मैं इनसे चाहूँगा कि ये जब जीत करके जाएंगे पंचायत, तो ग्राम पंचायत शाहपुर में जो भी समस्या है सब समस्या का हल आपस में मेल बैठ करके पूरा समाज का स्वीकृति ले करके और हर एक वार्ड का विकास ये करेंगे अपने फंड से। हम सरपंच पद से नामांकन दिया है। क्या आप हम न्याय के लिए समाज में पंचायत में सोचते हैं, जो समाज में क्या न्याय मिले, हम सिर्फ मिलजुल के सबके साथ। युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? युवा को संगठित करके उचित विकास समाज में हो, पंचायत में हो। हम बैठू सारी पंचायत बस नहीं। क्या नाम है? देवेंद्र कुमार मिश्र। हाँ, क्या सरपंच? क्या उम्मीदवार करके? यही कि गांव का विकास करेंगे, नया उबा अथी करेंगे। अगर 5 साल में जीत जाती है, हाँ, क्या लक्ष्य क्या है? गांव का विकास। रोड एकदम अथी खराब है, वो जहाँ तक होगा बेटा से, बेहद पंचायत से, रानी कुमारी।